जी हाँ मेरे दोस्तों, राजकुमार सिंह ने खेसारी लाल यादव के तारीफ में ऐसा बात बोल दिया है कि अगर खेसारी विरोधी इस बात को सुनेंगे तो उनका जल के राख हो जाएगा मेरा भाई। ऐसा बात बोले हैं राजकुमार सिंह, जो कि ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन के मालिक हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि कल खेसारी भैया का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आया, जिस गाने का नाम है हद कर दिए राजा जी। इस गाने का लेकर कल इवेंट रखा गया था लखनऊ में। उस इवेंट में अनेक प्रकार की बातचीत हुई और उस बातचीत में राजकुमार सिंह जी से ये पूछा गया कि खेसारी लाल यादव को मतलब आप किस नजरिया से देखते हैं, क्या खेसारी लाल यादव के बिना आप अधूरे थे, मतलब ऐसा ही कुछ सवाल पूछा जाता है। तो राजकुमार सिंह साफ साफ ये बात बोलते नजर आते हैं कि हमारे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को बड़ा करने में खेसारी लाल यादव का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे भाई, जो कि खेसारी विरोधियों को बुरा भी लग सकता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को बड़ा करने में खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा हाथ है। और ये बात राजकुमार सिंह बोले हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो खुद सबूत यहाँ पर सुन सकते हैं। योगदान की बात करें तो एवरी पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, तो खेसारी जी के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनका बहुत योगदान है। और आगे आने वाले समय में 24-25 में आप ये देखेंगे कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें शायद आने वाले 25 में आप इस अब तक का भोजपुरी का सबसे बेहतर साल हो, इसकी पूरी पूरी ताकत से हम कोशिश करेंगे। ऊपर वाला प्रभु हाथ लगाए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होता नहीं है। बट हमारे तरफ से आपके सवाल का आंसर ये है कि सब कुछ अभी खत्म हो चुका है, आप रेगुलरली अब गाने देखेंगे। और जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद पूरा यकीन हो गया। और एक बात और आप लोग को बताना चाहेंगे कि राजकुमार सिंह जी ये बोले हैं कि 2025 जो आने वाला है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि अब खेसारी लाल यादव के साथ भी रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया है राजकुमार सिंह का, और बाकी स्टारों के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो राजकुमार सिंह अपना पूरा जी जान झोंक देने वाले हैं इस बार भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए। और एक बात और आप लोग को बता दें मेरे भाई कि इतना दिन से जितना दिन एग्रीमेंट वाला लफड़ा चला, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे थे। राजकुमार सिंह खेसारी लाल यादव के बिना अधूरे थे, खेसारी लाल यादव राजकुमार सिंह के अधूरे थे। अब इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन हो गया है। तो अब आप लोगों को बता दें कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम तहलका मचा देने वाले हैं। कल के इवेंट में आप लोग ने देखा कि कल का व्यवस्था क्या था, बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। लेकिन राजकुमार सिंह बोले हैं कि अगला सितंबर में जो इवेंट होगा उसमें इससे 15 गुना और ज्यादा खर्चा किया जाएगा और 15 गुना बेहतर इवेंट होगा इससे। तो कल वाला इवेंट उतना अच्छा था, उसका 15 गुना बेहतर समझ जाइए कितना अच्छा होने वाला है। तो इंतजार रहेगा कि कब से कब वो इवेंट हो। खैर, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि खेसारी भैया के इवेंट में हम लोग भी पहुंचे, क्योंकि इस बार तो नहीं पहुंच सके लेकिन पहुंचने का अगला बार कोशिश करेंगे। खैर, आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है राजकुमार सिंह की बात, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।